हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या। और जल्दी से आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से, फटाफट एक बार कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है इफ़ ऑडियो वीडियो बोता के लिए, तो एक बार कमेंट्स के माध्यम से सभी साथी बता देंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को दोस्तों, इस समय जूलॉजी और बॉटनी की अल्टरनेट डे बाई डे हम धुआंधार प्रैक्टिस लेकर आते हैं शाम 7 बजे राजीव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी साथी जो मित्र बीपीएससी बिहार का देने जा रहे हैं और जो ईएमआरएस का देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए हमने धुआंधार एक सेशन स्टार्ट किया है। तो ये अब ईएमआरएस को लेके स्पेशली हम एनसीईआरटी बेस्ड काम करने वाले हैं, उसके लिए हम जितने भी ईएमआरएस के कैंडिडेट्स हैं उनको बता दूं थोड़ा सा। ये भी तो मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, बस विद इन मान के चलो 2 डेज, आफ्टर 2 डेज हम ईएमआरएस और बीपीएससी दोनों को लेकर एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा में डायरेक्ट मिलेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमने डिजाइन करे थे स्पेशली बीपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी और ऑल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी साथी जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे और सभी के सभी साथी मुझे एक बार चैट सेक्शन में जाके कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता देंगे। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि राजीव एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डार्विन बैच एकदम से नया बैच स्टार्ट हुआ है। ये बैच यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी के लिए है और इस बैच को जितने बच्चे हैं जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना कोर्सेस ले सकते हैं। और इस बैच के अलावा बीपीएससी को लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया था बीपीएससी बिहार को लेकर वर्ग 11 12th के लिए जूलॉजी और बॉटनी का, जिसका मात्र फीस 1499 था। इसमें हम लोगों ने क्लास नोट्स पीडीएफ भी दिया, हैंड रिटन पीडीएफ दिया और एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी दी। और बच्चों को हमने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लाइव क्लासेस दिए जिससे वो लोग तैयार हो चुके हैं अब बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। और बाकी लगातार लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम डार्विन वेस्ट क्यों ज्वाइन करें, क्या इसके फीचर्स हैं, स्पेशल कुछ डिस्काउंट है इसमें? हाँ जी, इसमें स्पेशल डिस्काउंट है, 2499 रुपये फीस है। और इसके क्या कुछ फीचर्स हैं? फीचर्स ये, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल क्लासेस हम आपको देते हैं वाइलोजी में, उस पेड टेस्ट सीरीज है, फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर है, कंटेंट विद डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, स्टडी मटेरियल के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम। और फीस मात्र 2499 रुपये बेस्ट ऑफर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस में भारी छूट है, 6999 रुपये फीस है, लेकिन ऑफर के साथ 2499 रुपये ही आप पे करके राजीव अकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को परचेज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? तो भाई गूगल प्ले स्टोर होता है, आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो उसी प्रकार से गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे राजीव एकेडमी। जब आप राजीव एकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। कोर्सेज के साथ साथ आप जैसे ही आर कोर्सेज पे गए तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे, जो भी डार्विन बैच है, अरस्तु बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने बैचेस भी हैं और बीपीएससी के बैचेज हैं जो आपको परचेज करना है। यहीं से परचेज करके अपना फीस सबमिट एप्लीकेशन पर ही डिपॉजिट हो जाएगी, वहीं से जमा करने के बाद आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच प्रारंभ है, अधिक जानकारी करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं 9795879197, इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जितने भी साथी जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चाहूँगा कि सभी लोग फटाफट कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे। दोस्तों कल मैंने एक चीज़ देखी, अभी भी कुछ जगह हमारे वीडियो लाइव चलाए जा रहे हैं, मतलब जो मैंने बायोलॉजी का कंटेंट पढ़ाया था वहाँ पर मैं देखा कुछ बच्चों ने मुझे एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट भेजे, एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट भेजे, बोले सर देखो आपकी क्लासेस को लाइव चला रहे हैं। तो मैंने सोचा यार लाइव क्लासेस तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सर आप लाइव पढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, लोग हैं करते रहते हैं। वाह वाह क्या बात है, सिंगर जय मिश्रा भरपूर आशीर्वाद बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो तुम? और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहना। अंशु भारद्वाज भी है, डीएस है, प्रीति चौधरी है, पूजा सिंह है, सोनम सिंह है और रुचि है, राजपाल है, ललिता है, भरपूर आशीर्वाद, सुषमा किरण, समराज भरपूर आशीर्वाद बेटा, सुधा ठाकुर, दीक्षा शर्मा। चलिए सभी मित्र सभी साथी आ चुके हैं सेशन से, तो एक बार चाहूँगा कि सभी लोग फटाफट मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप लोग क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं क्या, क्वेश्चंस को स्टार्ट करा जाए। और क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है तो अगर चैट बॉक्स में जाके और फटाफट एक बार फायर वार्म अप इमोजी वाला कमेंट्स कर देंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आर यू रेडी, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, वो एक बार चैट सेक्शन में मुझे दिखाइए फटाफट। जितने भी साथी जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं शुरू।
तो जितने भी मित्र जितने भी साथी है, जलोची की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आज के प्रश्न में मजा आने वाला है आप लोगों को, ये भी बता दूं। आज के क्वेश्चंस में मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ये भी मैं बता दूं। तो बहुत सारे मित्र बहुत सारे साथी सेशन से जुड़ चुके हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इसमें से हमने लास्ट सेशन में कुछ काम था मुझे, और हमें लगता है मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे लास्ट सेशन में, 20 सवाल इसमें से करा दिए थे। तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी सेशन का मतलब इस प्रैक्टिस सेशन को। हाँ बिल्कुल, लास्ट सेशन में आपको पता होगा ये कराया था वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल किस DNA में प्रतिपादित किया था। अंतिम सवाल कुछ ये हुआ था, बहुत अच्छा, वेल डन सभी लोगों ने, एनर्जी लेवल आप लोगों का दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर आशीर्वाद सबको भाई, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। चलो तो आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आऊँ, तो एक बार सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और ह्यूमन इवोल्यूशन से है, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन से है। ह्यूमन इवोल्यूशन हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। इवोल्यूशन की क्लास वैसे एप्लीकेशन पर सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक चलती है, 8, 8:30, 9 बजे तक हम लगातार 3 घंटे क्लास इवोल्यूशन की पढ़ा रहे हैं। इसमें इवोल्यूशन कंप्लीट होने वाला है, तो वैसे ह्यूमन इवोल्यूशन आज शुरू करना है। तो बताइए, एंसेस्ट्रल ह्यूमन कॉल्ड लूसी, आपको पता है कि आपके पूर्वज जो मानव था उसका नाम था लूसी, वो लूसी था कौन बताइए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनेंसिस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस थे, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसी थी? बताइए, लूसी जिसका नाम है लूसी कौन था? चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी जुड़ते जाएंगे। एक बार वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लो, जैसे लोग जो अभी तक नहीं आ पाए हैं आ जाएंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बताइए, लूसी नामक पूर्वज कौन सा था? तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस थे। कौन सा था? अफ्रेंसिस। तो राइट आंसर कौन सा करेंगे? बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वी, लूसी हमारे पूर्वज थे, ऐसे जानो लूसी कौन था, हमारा पूर्वज था। अच्छा सवाल है, और आज प्रश्नों का संख्या कुछ ज्यादा होगा, हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, अब सवाल ये पूछा गया कि कलर ब्लाइंडनेस के जीन लोकेटेड होते हैं कहां पर? ऑटोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन, एक्स क्रोमोसोम ओनली मैन ओनली वुमेन, बताओ किसके एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस जीन पाए जाते हैं? आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम वर्णांधता कहते हैं, रंग अंधता कहते हैं, इसको वर्णांधता भी कह देते हैं। तो वर्णांधता का जो वेक्टर होता है वो फीमेल होती है, और कलर ब्लाइंडनेस कॉज होने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो, ध्यान रखना ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। सबसे पहले तो आपको बता दें ये कैसा है, एक्स लिंक्ड जेनेटिकल डिजीज है। कैसे डिजीज है? जेनेटिकल डिजीज, और एक्स लिंक्ड जेनेटिकल डिजीज है। तो ये किस पर? एक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन ओनली या मैन ओनली, दोनों पर तो नहीं होगा। ध्यान रखना ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होगा, ये होगा किस पर? ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस अकर्स बाय द ओनली, किस पर? मैन से होता है, मेल से होता है, ना कि फीमेल, क्योंकि फीमेल इसका क्या होती है, वो वेक्टर होती है। अगर फीमेल की बात करेंगे तो भाई फीमेल कौन होती है? वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, वाहक होता है। जब तक मेल का एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा तब तक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। नहीं रुचि तुम ध्यान दो, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, बताओ तो अगर चीजें ना समझ में आई हो तो इसको मैं थोड़ा सा समझा भी दूं। ऐसे देखो एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल है, और एक्स भाई ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है। अगर हम ये कहते हैं कि एक्स पर एक कलर ब्लाइंडनेस लगा दूं और एक्स पर यहाँ पर एक कलर ब्लाइंडनेस लगा दूं, तो ये वेक्टर होगा, ये वाला जीनोटाइप क्या होगा? वेक्टर। और ये वाला क्या होगा? आपने का कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन जब हम इधर से देखो, यहाँ से तो एक्स ये वाला गया है ना, और इधर से जब तक एक्स सी वाला नहीं आएगा तब तक ये हमेशा कैसा होता रहेगा? फीमेल हमेशा किससे प्रभावित होती है? मेल वाले एक्स से। तो ये जीनोटाइप फीमेल का कलर ब्लाइंड होता है,
और ये वाला वेक्टर का होता है, ये वाला मेल कलर ब्लाइंड का होता है। तो मेल के एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड होते हैं, उससे डिपेंड करता है कि ये फीमेल होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना ये फीमेल इसका वेक्टर होती है, ना कि मेल। ग्रुप डी रेलवे में यही देखते हैं सिग्नल में। बिल्कुल सम्राज, आपको बता दें ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा देखते हैं। पता लगा रेलवे का ड्राइवर अगर जो रेड लाइट है वो पता ही नहीं चल रही है कि रेड है कि ग्रीन है, और ड्राइवर ट्रेन को लिए चला जा रहा है, लिए चला जा रहा है ना। तो ये सभी जगह देखते हैं बेसिकली, चाहे जो भी आप भर्ती देखने जाते हो, जब भी कोई वैकेंसी आती है जिसमें आपका मेडिकल जाँच होती है, तो मेडिकल जाँच में कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं। इसमें बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनको हम डिस्टेंस विजन, कलर विजन, ये सारे के सारे मेजरमेंट किए जाते हैं आई में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन। बताइए बेहतरीन क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम सभी लोगों को पता है कॉज मलेरिया। ये डाइजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक है, इक्टोपैरासाइट है, पॉलीजेनेटिक है। देखो मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक और पॉलीजेनेटिक इक्टोपैरासाइट, हमारे शरीर पर जो बाह्य परजीवी होता है उसको इक्टोपैरासाइट कहते हैं। ऐसा एनिमल जिसके दो होस्ट होते हैं उसे डाइजेनेटिक कहते हैं। ऐसा एनिमल जिसका सिंगल होस्ट होता है उसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। जिसके बहुत सारे होस्ट होते हैं उसे हम पॉलीजेनेटिक कहते हैं। कहने का सेंस है एनिमल विच कंप्लीट ऑन हिज लाइफ साइकिल ओनली वन होस्ट। अगर कोई एनिमल अपनी लाइफ साइकिल को सिंगल होस्ट पर कंप्लीट करता है तो वो मोनोजेनेटिक है। कोई एनिमल जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट पर कंप्लीट करता है वो डाइजेनेटिक है, और कोई एनिमल अपना लाइफ साइकिल डिफरेंट डिफरेंट होस्ट पर कंप्लीट करता है वो पॉलीजेनेटिक है। तो प्लाज्मोडियम आप सभी को पता है, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करने वाला है, और इसके दो होस्ट है। इसका जो प्राइमरी होस्ट की अगर हम बात करते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट बताइए, इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन सा है? मॉस्किटो। कौन है भाई? मॉस्किटो। और इसका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? इंटरमीडिएट या हम सेकेंडरी होस्ट की बात करते तो भाई मैन है। कौन है? मैन, मनुष्य है। तो ये प्लाज्मोडियम कैसा होगा? डाइजेनेटिक होगा। देन राइट आंसर इज गोज टू ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए। ए कितने लोगों ने आंसर किया? चलिए बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। आप सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, डाइजेनेटिक होता है। एस्केरिस की बात करते हैं तो मोनोजेनेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई 24 नंबर कोड दिए गए हैं, कुछ कोड है, स्लगिश है, हाईली मोबाइल है, आर्म्स प्रेजेंट है, आर्म्स एब्सेंट है, कोरल सरफेस डायरेक्ट अपवर्ड, ओरल सरफेस डायरेक्ट डाउनवर्ड। यूजिंग द कोड गिवन अबव आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है, विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा सो द फीचर्स? कौन कौन से? 1, 4, 6 फीचर। 1, 4, 6 ये किस में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा के कौन से क्लास में बताओ? ये पाए जाते हैं एस्ट्रोइडिया में, इक्नोइडिया में, होलोथेरोइडिया में या सिरिनोइडिया में? इकाइनोडर्मेटा के कौन से क्लास में ये सारे के सारे, या इनमें से आपने का 1, 4, 6 कौन कौन से? पहला का मतलब स्लगिश, चौथा का मतलब आर्म्स अब्सेंट, और छठवा का मतलब है ओरल सरफेस डायरेक्ट डाउनवर्ड। बताइए इनमें कौन सा फीचर है? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अंकिता भटनागर। चलो भाई हाँ बहुत अच्छा, वेल डन। अमृता भी आ गई है, सुरभि शुक्ला, सभी लोग आ गए हैं, और बाकी लोग भी आते रहेंगे अपना समय समय पर। तो बताइए भाई विच इज द राइट क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब आप लोग क्या करेंगे? देखो अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा स्टारफिश का। किसका नाम सुना होगा? स्टारफिश। और स्टारफिश ये किसका मेंबर है? तो ध्यान रखिएगा ये इक्नोइडिया का मेंबर है स्टारफिश। तो स्टारफिश में ये कंडीशंस पाई जाती है, देन आंसर इज गोज टू बी, इसमें स्लगिस होता है, आर्म्स एब्सेंट होती हैं, और ओरल सरफेस डायरेक्ट किधर होता है? बेंटल सरफेस पर, डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे की ओर ओपन होता है, देन इज नोन एज आपने का इक्नोइडिया। इसका सही जवाब क्या होगा? बी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जवाब दिया होगा। दशरथ प्रसाद सिंह क्या हाल चाल है? कुछ लोगों ने ए दिया है, कुछ लोगों ने सी दिया है, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिया है, जबकि सही जवाब
यार चलो भाई, बहुत कम लोगों ने दे पाया था। मैंने आप लोगों से कहा है, आप लोगों से कहा है, एक बार ध्यान रखना, मोलस्का का, आर्थोपोडा का, इकाइनोडर्मेटा का और उसके साथ साथ सिलेंड्रेटा का, इन सभी के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के क्लासिफिकेशन से याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी है तो सभी के इंपॉर्टेंट, और प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा का भी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से दोहरा दूं। तो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं परीक्षा में, तो इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस, कौन सा ऑर्डर, कौन सा क्लास, कौन से करेक्टर्स, ये सब आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप लोग सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। तो मैं जितना बताता रहता हूँ, इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम आप लोगों के मिलते हैं परीक्षा में। बताइए, इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज इन, एस्केरिस के अंडे फर्टिलाइज होते हैं वेजाइना में, ओविडक्ट में, यूट्रस में या सेमाइनल वेस्कल में। सबसे पहले तो बता दूं, एग फर्टिलाइज कहां पर होता है, तो वो एस्केरिस हो, मनुष्य हो, जो भी हो, मैक्सिमम एग का फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो ओविडक्ट में होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने राइट आंसर किया होगा, वो भी डक्ट, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। एस्केरिस में अंडे निषेचित कहाँ पर होते हैं, तो भाई डिम्ब वाहिनी में होते हैं। किस में होते हैं, डिम्ब वाहिनी, इसका हिंदी भी दिया गया है डिम्ब वाहिनी। स्टारफिश में आर्म्स एब्सेंट हैं, तो पांच होती हैं सर, वो आर्म्स नहीं है क्या? नहीं, वो आर्म्स नहीं है, इक्नोइडिया के मेंबर्स की बात करेंगे वहां पर, है ना, ध्यान रखना, इक्नोइडिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इक्नोइडिया की। तो देन राइट आंसर इज गोज टू, ध्यान रखना, बी। ओविडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ओविडक्ट में क्या होता, अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन, 26वां नंबर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस द एनएस अब्सेंट, किसमें एनएस नहीं पाई जाते है? तो आप सभी लोगों को पता है, लीच में, राउंड बॉम में, फ्लैट बॉम में या अर्थ बॉम में, एनएस किसमें नहीं पाया जाता है, इंडो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट। देखो, फ्लैट बॉम, अर्थ बॉम, राउंड बॉम, लीच, लीच की बात करते हैं हिरोडनेरिया, ये इक्टो पैरासाइट है, ये कैसा है, इक्टो पैरासाइट से। अर्थ बॉम की बात करते हैं, तो ये तो फ्री लिविंग है, आपको सभी को पता है कैसा है, फ्री लिविंग है। राउंड बॉम की बात करते हैं, तो राउंड बॉम बोले तो आपने कहा ये एस्केरिस है, और ये एस्केरिस एंडो पैरासाइट होता है, है ना, और जबकि इसमें स्यूडो सीलोम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्यूडो सीलोम पाई जाती है। लेकिन फ्लैट बॉम की बात करेंगे, ये भी कैसे है, एंडो पैरासाइट है, बेसिकली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और इंडो पैरासाइट्स में भी अगर बात करते हैं, तो इसमें जैसे टीनिया है, है ना, फैसियोला है, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, और उसके साथ साथ आपको देखोगे इसमें डुगेसिया है। तो इसके अगर हम बात करते हैं फ्लैट बॉम में, किसमें, डुगेसिया, तो डुगेसिया में क्या होता है, एनस एब्सेंट होता है, इसमें डुगेसिया, इसमें एनस एब्सेंट होता है। तो आंसर क्या करोगे, फ्लैट बॉम, डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, डी, सिंगर जी, बेहतरीन, बहुत अच्छा। क्या हाल चाल है जया, तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता भाई कहाँ रहती हो आजकल, है ना, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पर जया, है ना। चलो, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, और इस सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे राइट आंसर दैट क्वेश्चन। 27 नंबर, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो, इनमें से सही आंसर करना है। बताइए, बॉडी सिमेट्री दिया गया है और एनिमल्स दिए गए हैं। प्राइमरी एसिमेट्रिकल बॉडी किस में पाई जाती है, सी एनिमोन में, स्पंज में, स्टारफिश में या अमीबा में। फिर देखो, सेकेंडरी इरेगुलर बॉडी किस में पाई जाती है, सेकेंडरी बाइलेटरल बॉडी किस में पाई जाती है, सेकेंडरी रेडियल बॉडी किस में पाई जाती है। तो आपको मैच करना है, ये कुछ कोड दिए गए हैं नीचे, ए बी सी डी, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को बता दूं कि हमेशा एक तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक तो सिमेट्री, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो सममित आपको पता होना चाहिए, और बॉडी लेवल ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि टिश्यू ग्रेड है, सेलुलर ग्रेड है, ए सेलुलर है, या ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स है, ऐसे रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, इरेगुलर है या रेगुलर है, वो सारे के सारे सिमेट्री पूछे गए। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा इस सवाल का।
हाँ बिल्कुल, जुगासकीय में ज्वाला सेल्स होती हैं वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं वो सम्राज किसका काम करते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप के, तो बेसिकली क्या करते हैं एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बताइए प्राइमरी एसिमेट्रिकल बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा ध्यान से समझना, प्राइमरी एसिमेट्रिकल बॉडी ये किस में पाई जाती है? एसिमेट्रिकल बॉडी ये स्टार फिश में पाई जाती है। सेकेंडरी इरेगुलर बॉडी की अगर बात करेंगे, देखो भाई इरेगुलर बॉडी का मतलब है जिसकी बॉडी कोई निश्चित ना हो, तो आप सभी लोगों को पता है वो किस में पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। सेकेंडरी बाइलेटरल बॉडी किस में पाई जाती है? तो भाई सेकेंडरी बाइलेटरल बॉडी किस में पाई जाती है? ये सी एनिमल में पाई जाती है और रेडियल स्पंज में पाई जाती है। तो अब कर लो फटाफट राइट आंसर कौन सा होगा, आप मैच कर लो। मैंने आपको प्राइमरी एसिमेट्रिकल बॉडी सी स्टार दिया, यानी पहले का तीसरा कहीं है, पहला ही मिल गया, चौथा, पहला, दूसरा, ये मिल गया, सी। सी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने बी क्यों किया? आप लोगों ने इसका आंसर बी क्यों किया? श्वेता वर्मा ने केवल सी किया था, बाकी लोग सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। देखो भाई बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, मैंने कहा प्राइमरी एसिमेट्रिकल बॉडी किस में पाई जाती है? सी स्टार यानी स्टार फिश में पाई जाती है। सेकेंडरी इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब जिसकी बॉडी में कोई शेप एंड साइज ना हो, आपने कहा वो अमीबा है। सेकेंडरी बाइलेटरल बॉडी सी एनिमल में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, और आपने कहा रेडियल बॉडी स्पंजेस में पाई जाती है। ध्यान रखना ये सेकेंडरी है, प्राइमरी बाइलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कोड एक्वेटिक, नहीं ये सवाल इनकम्प्लीट है, एक्चुअल में ये सवाल मैंने देखा इनकम्प्लीट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको करिए, 29 नंबर सवाल, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। देखो आप लोगों को एक चीज और बता दें, इस टाइप के सवाल आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? उसका कारण ये है कि एक सवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने रहते हैं एग्जामिनर्स को, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन से बच्चे का हम सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त कर सकें कि भाई उसको कितना नॉलेज है कितना नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता है। तो सवाल है कॉपर किस में पाया जाता है? लिमुलस में। कैस्केड सिस्टम किस में पाया जाता है? पाइला में। बुक गिल्स किस में पाए जाते हैं? ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा में। नॉनसेंस, अपने को नॉनसेंस म्यूटेशन हार्मोन अराइवल सेल सरफेस रिएक्शन टू द म्यूटेशन हार्मोन अराइवल। तो सबसे पहले कॉपर की बात कर लो भाई, ये कॉपर का मतलब है कॉपर कंटेनिंग ब्लड किस में पाया जाता है? बताइए ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा, पहले का तीसरा, आप ऐसे मैच कर लोगे पहले का तीसरा, दो आंसर तो ऐसे कट गए, यही बचे। फिर देखो कैस्केड सिस्टम किस में पाया जाता है? तो कैस्केड सिस्टम की अगर बात करेंगे तो आपके पास चौथा और पांचवा दो ऑप्शन है। देखो यहाँ पर सेल सरफेस ऑफ रिएक्शन म्यूटेशन हार्मोन अराइवल, और उसके साथ साथ आ, 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 कुछ तो इसमें गड़बड़ है हमें लगता है ना, ये पांचवा यहाँ पर क्यों दे दिया? पांचवा जब है ही नहीं कोड तो पांचवा दे ही क्यों दिया? उसमें तो बकवास लिख दिया हिंदी में, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। हाँ भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये नॉनसेंस म्यूटेशन यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा इन लोगों ने टाइपिंग में गड़बड़ कर दिया है। नॉनसेंस म्यूटेशन यहाँ तक है, ये सेल सरफेस रिएक्शन टू द हार्मोन अराइवल यहाँ तक रहेगा, नॉनसेंस म्यूटेशन ये इतना बन रहा है ना, इस वाले का नॉनसेंस म्यूटेशन ये डी यहाँ तक बन रहा है, अब सही है। तो ठीक है, कैस्केड सिस्टम इज फाउंड इन सेल सरफेस ऑफ रिएक्शन ऑफ द हार्मोन अराइवल, बिल्कुल इसका आप कर दोगे दूसरे का चौथा, चौथा चौथा बताओ, दूसरे का चौथा ये हो जाएगा। और फिर बुक गिल्स आर फाउंड इन लिमुलस में पाए जाते हैं, पहला सही है। नॉनसेंस म्यूटेशन ये किस में पाए जाते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन की अगर बात करेंगे तो पांचवा इसमें दिया नहीं गया, एक्चुअल में पांचवा है डीएनए, डीएनए में पाया जाता है कोड ऑफ डीएनए, तो इसमें दिया गया नहीं, कुछ गड़बड़ रहा है सवाल में कहीं ना कहीं। फिलहाल आंसर इसका क्या करोगे? डी। फिलहाल आंसर इसका क्या करोगे? डी करवाएंगे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 28 का 35 24 कर सकते हो, लेकिन इसका अगर बात करेंगे नहीं, इसका 34 और 29 का बात करेंगे, 34-15 होगा, 35 नहीं होगा भाई, ध्यान रखना 34-15 होगा सम्राज, डी होगा। इसमें कुछ आंसर्स कुछ टाइपिंग एरर रहा, बड़े सवाल होते हैं, टाइपिस्ट भी घबरा जाते हैं कि हम क्या करें।
चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए सिलोमेटा, वीनस फ्लाई बास्केट, इंटरोसिलिक सिलोमेटा, इकाइनोडर्म्स, प्रोटोस्टोम्स फ्लैटवॉर्म, पोरीफेरा मोलस्का। सबसे पहले देखो वीनस फ्लाई बास्केट, ये यूप्लैक्टेला है और ये क्या है, स्पंज है। तो डी का पहला देख लो, मिला लो डी का पहला, यहीं से काट दो आंसर, दो बचे आंसर है ना, ऐसे देख लो। ए सीलोमेटा का मतलब है जिसमें सीलोम नहीं हो, एबसेंट हो। सीलोम किस में नहीं पाई जाती बताओ? इकानोडर्मेटा में पाई जाती है, फ्लैटवॉर्म में पाई जाती है, मोलस्का में पाई जाती है, या आपने कहा अब प्रोटोस्टोम की बात करते हैं या इंटरोसिलिक सीलोम की बात करते हैं। तो अब बताओ ए सीलोमेट बॉडी का मतलब होता है जिसमें आपने का क्या ना पाया जाता हो, सीलोम एब्सेंट हो, जिसमें कैविटी एब्सेंट हो। तो कैविटी किस में नहीं पाई जाती है? अब आप लोग बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या करेंगे, फ्लैटवॉर्म में, इंटरोसिलिक सीलोमेटा या प्रोटो स्टोमेटा पाया जाता है। तो ध्यान रखना अगर हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में एक छोटी सी कैविटी तो होती है, लेकिन मोलस्का में कौन सी होती है, प्रोटोस्टोमस होता है। और ए सीलोमेटा की बात करेंगे भाई तो फ्लेटबॉम, बिल्कुल इसमें सीलोमी कैविटी एब्सेंट होती है। तो पहले का तीसरा ये मिल गया, पहले का तीसरा बराबर बी होगा इसका। ए सीलोमेटा फ्लेटबॉम होगा और उसके साथ साथ इंटरोसिलिक की सीलोमेट की प्रोटोस्टोम्स की मोलस्का से मिला देंगे और इंटरोसिलिक कैविटी इकानोडर्मेटा, यही सही होगा। थोड़े से सही से लिखते नहीं हैं टाइपिस्ट, अगर थोड़ा सा स्पष्ट करके अगर लिख दें, इनको समझाना पड़ेगा है ना, इस टाइप के सवाल होते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। हाँ बहुत अच्छा, कुमकुम भी आ गई है। पोरीफेरा में यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं जब वो दान में देते हैं शादी के समय, जापान में लोग यूप्लेक्टेला को गिफ्ट में देते हैं। और उसमें डेफनिया आप देखते हैं वीनस फ्लावर बास्केट को, उसका जो थीम होता है लाइफ अप टू डेथ, जीवन से मृत्यु तक दोनों साथ रहेंगे, और इम्पोर्टेंट भी है यूप्लेक्टेला स्पंज से। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये सवाल तो अच्छा भी है और कर भी लोगे आप लोग, और इसमें चीजें भी क्लियर हैं, थोड़ा सा मिसमैच वाले में क्वेश्चंस आगे पीछे लिख दिया था। बिटवीन द टू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, अब पैरामीसियम, पैरामीसियम में सभी को पता है इसमें एक तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, दो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं कुंचनशील रिक्त का, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल कौन सा तेज काम करता है बताओ? द एंटीरियर वन पल्सेट फास्टर देन पोस्टीरियर, आगे वाला पोस्टीरियर की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से काम करता है। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्सेट सेम रेट, दोनों सेम रेट पे करते हैं। द पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर, पीछे वाला आगे वाले की अपेक्षा में ज्यादा तेजी से काम करता है। नन ऑफ द टू पल्सेट एट ऑल, आपने कहा दोनों में से कोई पल्सेटिंग नहीं करता है। तो ध्यान रखना हमेशा जो एक्सक्रीशन का काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो बॉडी में अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, उस वाटर को रिमूव आउट करता है किसके द्वारा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। तो एंटीरियर साइड वाला जो होता है वो स्लो वर्क करता है, पोस्टीरियर साइड वाला फास्टर वर्क करता है। तो एंटीरियर पल्सेट फास्टर देन पोस्टीरियर नहीं, बोथ सेम सेम रेट पे तो नहीं है करेंगे, तो आपने को पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर, आगे की तुलना से पीछे वाला फास्ट वर्क करता है, ये इसका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, सी। हाँ बहुत अच्छा, जापानी विवाह में इसको देते हैं। हाँ चलो कम से कम जापानी विवाह तुम्हें याद तो है। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज, बताओ ये आपने कहा एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज, ये एक एनिलिडा है, मोलस्का है, इंसेक्टा है या मैमल्स है? एफ्रोडाइट आपको पता है ये किसका मेंबर है, कुछ फाइला का मेंबर है। तो मैंने फिर से आप लोगों से कहा था भाई इसका क्लासिफिकेशन जिसका भी हो, मोलस्का का, आर्थ्रोपोडा का, मैमल्स का, कार्डेटा का बोले तो, उसके साथ साथ जो एनिलिडा है, इन सभी के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्रोडाइट सी माउस है और ये किस में पाया जाता है, कौन से फाइला में है? तो ध्यान रखना समुद्र में पाया जाने वाला ये एक एनिलिडा है। किसका मेंबर है? एनलिडा का। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने करा होगा।
इसका राइट जवाब आप लोगों ने सही आंसर करा होगा। बिल्कुल राहुल, सही। चलिए भाई, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आप सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, और जवाब क्या होगा? ए नहीं, ए था, हाँ, एनेलिडा। लेस मानी लीस मानी या डोनो मानी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। डम 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 फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचाया, लीस मानिया डोनो वानी, काला आजार बुखार लाया, है ना? ट्रिक याद है ना, विच डिजीज इज कॉस्ड बाई लीस मानिया डोनो वानी के द्वारा कौन सी डिजीज होता है? स्लीपिंग सिकनेस, ये तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होती है। किससे होती है? ट्रिपेनो सोमा गैम्बियन से होती है। ओरिएंटल सोर लीस मानिया की स्पीसीज से होती है। काला आजार या डिसेंट्री, डिसेंट्री पेची से, ये एंटमीबा से होती है। ये दोनों के दोनों रोग, अगर हम बात करते हैं ओरिएंटल सोर और काला आजार, ये लीस मानिया से होती है। लेकिन लीस मानिया डोनो वानी अगर बात करते हैं, तो इससे केवल और केवल कौन सा होगा? काला आजार होगा, नॉट ओरिएंटल सोर। काला आजार का मतलब होता है आपने का काला ज्वर। और इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है, क्या आप बता पाएंगे काला आजार का वाहक या वेक्टर कौन सा है? लीशमानिया डोनोवानी को बताओ, बताओ कि सैंड फ्लाई कौन सा है? सैंड फ्लाई वेक्टर, वाहक काला आजार। बेहतरीन। चलो भाई, सभी के सभी मित्र, सभी के सभी साथी इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, इसमें से किसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है? इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब द्वितीयक पोषक किसका नहीं है, बताइए। फैसियोला का, एस्केरिस का, टेनिया का, प्लास्मोडियम का। देखो, प्लास्मोडियम की बात करते हैं, इसके दो होस्ट है, डाइजेनेटिक है, आप सभी को पता है, एक मॉस्किटो और एक मैन, डाइजेनेटिक है। टेनिया में भी दो होस्ट होते हैं, फैसियोला में भी दो होस्ट होते हैं, लेकिन एस्केरिस की बात करेंगे भाई, तो ये मोनोजेनेटिक है। ये कैसा है? मोनोजेनेटिक। एस्केरिस सिंगल होस्ट है, मोनोजेनेटिक है। आंसर क्या करेंगे? बी। और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका राइट जवाब दिया होगा, बी इज द राइट आंसर। एस्केरिस एस्कल हेलमेंथीस इज द मोनोजेनेटिक। बाकी सभी कैसे हैं? डाइजेनेटिक। सभी के कितने होस्ट हैं? दो। चलो क्वेश्चन नंबर 35, बेहतरीन सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो कौन सबसे पहले जवाब देगा? द रीजन फॉर द मीजली पॉर्क फ्लैश ऑफ द, बताइए सुअर के गुदे मास का कारण क्या है? मतलब मीजली पॉर्क अगर बात करते हैं, उसमें जो मसल्स होती हैं, उसका मेन रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेक्साकेन, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लोटिड्स, प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया, किसके कारण है मिजली पार्क? बताओ, हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट, एक बार जानना चाहूंगा। चलो भाई जल्दी से फटाफट, मैं चाहूंगा कि कौन सबसे पहले इसका देता है जवाब। जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, कौन सबसे पहले देता है इसका जवाब, बताइए भाई। बी बता रहे हैं लोग, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, ठीक है, सिस्टी सर्कस के कारण। और सिस्टी सर्कस को क्या कहते हो? आप सभी को पता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैडर, ब्लैडर वॉर्म भी कह देते हैं। सिस्टी सर्कस को क्या कहते हैं? ब्लैडर वॉर्म भी कह देते हैं, और इसी के कारण मीजली पॉर्क होते हैं। सूअर का अधपका मांस खाने से इन्फेक्शन हो जाता है, सूअर का अधपका मांस खाने से इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म, मीजली पॉर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 36, हु विल करेक्ट आंसर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म्स लार्वा, निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा भी था कि लार्वा सभी लोगों को याद होने चाहिए, हर मेंबर का, हर क्लास का। तो कौन सा लार्वा नहीं है इकाइनोडर्मेटा का, बताइए? पिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया, पिनेरिया ब्रैक्यूलेरिया, इकाइनोप्ल्यूटियस और ऑफियोप्ल्यूटियस, और ऑरिकुलेरिया और डोलेरिया, टर्नेरिया और ब्लेगर यानी विजलर लार्वा, बताओ विच इज नॉट लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर का कौन सा लार्वा नहीं है, जल्दी से बताओ फटाफट।
डी टर्नेरिया, अच्छा ठीक है, माना कि डी सही है, लेकिन डी है किसका बताओ फिर। अच्छा टर्नेरिया लार्वा किसका है और विगलर लार्वा किसका है, विल्जर लार्वा, ये दोनों की बात करती है किसके लार्वा, अगर विलीगर और टर्नेरिया लार्वा किसके हैं, ये सभी लार्वा किसके हैं, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर के हैं, लेकिन टर्नेरिया और विगलर लार्वा की अगर बात करती है किसके, टर्नेरिया लार्वा और विगलर लार्वा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे किसके लार्वा है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा इसका, डी नॉट लार्वा तो टर्नेरिया, जल्दी से बताइए, बताऊं क्या, मैं ही बताऊं, आप लोग बता पाएंगे या मैं ही बताऊं, जल्दी बताओ, बता पाओगे क्या, टर्नेरिया एंड विगलर लार्वा, ठीक है लेकिन है किसके, टर्नेरिया वेलग्नोग्लासस मोलस्का, हाँ मोलस्का में किसका, मोलस्का में किसका भाई, पाइला का या यूनियो का, बहुत अच्छा, ये तो किसका है, वेलग्नोग्लासस, और बताओ पाइला का या यूनियो का, हमने और पूछ लिया इसमें, माना कि मोलस्का, मोलस्का ठीक है, और ये आपने बताया बेलग्नो, बेलग्नो क्लासस, ठीक है बेलग्नो क्लासस हो गया, लेकिन ये किस में, यूनियो का है पाइला का, बताओ और बताओ, आप मुझे और बताइए आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर स्क्रीन, कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द सोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नॉन एज, जब कोई वॉल्केनिक आइलैंड होता है उसके किनारे के जो कोरल रीफ्स होते हैं, या आपने कहा ओरिएंटल रीजन के जो किनारे पाए जाने वाले कोरल रीफ्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, एटॉल कहते हैं, कोरल आइलैंड्स कहते हैं, वेरियर रीफ कहते हैं या फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं, मूंगा चट्टान जो कुछ ज्वालामुखी द्वीप के निकट के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉल, मूंगा द्वीप, बैरियर रीफ या फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, उसका आंसर किया क्या, पाइला एप्पल स्नेल, पाइला लार्वा इज फिजलर, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा कोमल, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, बेहतरीन, पाइला 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 पाइला, ठीक है इसका बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कुछ ज्वालामुखी द्वीप, मैंने कहा कुछ ऐसे जो वॉल्केनो के द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट होने के द्वारा बन गए, तो उनके पास जो पाई जाने वाली रीफ्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एटॉल है या, सबसे पहले तो बता दो ये सारे के सारे मेंबर किसके हैं, किस फाइला के, इनका फाइला बताना है, एक तो मुझे बताना है इनका फाइलम, और ये कौन से रीफ हैं बताओ, एटॉल, कोरल, आइलैंड, बैरियर रीफ या फ्रिंगिंग, जो ओरिएंटल रीजन होते हैं, ओरिएंटल ओरिएंटल रीजन होते हैं, ओरिएंटल रीजन का मतलब ऐसे क्षेत्र जो किनारे के होते हैं उनमें कौन सी पाई जाती है बताइए, फ्रिंगिंग रीप्स पाई जाती है या आपने वॉल्केनिक आइलैंड्स में फ्रिंगिंग रीप्स पाई जाती है, डी इज द राइट आंसर, इनका फाइला बताना था मुझे, किसने बताया क्या, बिल्कुल सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं कुमकुम बताओ क्या हुआ कमेंट्स में, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, बताओ, अच्छा कमेंट्स में कुछ, कमेंट्स बहुत रेयरली देखता हूँ, जब कुछ मुझे लगता है कमेंट देखना चाहिए, बाकी तो थोड़ा बहुत आप लोगों के दूर से देख लेता हूँ, डी ठीक है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फ्रिंगिंग रीफ, सी सो नियर द एटॉल, बहुत अच्छा, वेल डन, चलो सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स हैं, नाइडेरियंस हैं बताओ, नाइडेरियंस का मतलब यही जो आप बात कर रहे हो, सिलेंट्रेट्स, तो सीलेंट्रेट्स बताइए कौन है, ये ए सीलोमेटा है, साइजो सीलोमेट है, इंटरोसिलस सीलोमेट्स है या सीडो सीलोमेट्स है, नाइडेरियंस या सीलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं क्या इनमें सीलोम, सीलोम बोले तो जो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है, सीलोम पाई जाती है नहीं पाई जाती है बताओ, तो नाइडेरियंस कैसे होते हैं, ए सीलोमेट, साइजो सीलोमेट, इंटरोसिलस सीलोमेट या सीडो सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में पाया जाता है, एस्केरिस में पाया जाता है, ए सीलोमेट किस में पाई जाती है, कंडीशन सिलेंट्रेट में पाई जाती है, साइजोसीलोमेट किस में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना बेसिकली आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाई जाती है, एंड मोलस्का में पाई जाती है, और इंटरोसिलस सीलोमेट्स किस में पाई जाती है, बेसिकली ये मैमल्स में पाई जाती है, किस में पाई जाती है भाई,
मैमल्स में पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ए सीलोमेट। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने ए इसका जवाब दिया होगा, ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा जया मिश्रा सिंगर और सुरभि श्वेता सभी लोग बिल्कुल ए सीलोमेट इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। मकड़ी, देखो जो मकड़ियाँ होती हैं ना, स्पाइनरेट्स आर स्पाइडर्स विच सिक्रीट सिल्कन थ्रीड फॉर द मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। ये कहा कि मकड़ियाँ जो स्पाइनरेट, मकड़ियाँ जो जाला बनाती हैं, उस जाले का सिक्रीशन कहाँ से करती हैं, वो कौन सा रीजन है, एंटीरियर टू द एनस, इन द माउथ, इन द चिलीसरी या पेडीपेल्पी। बताइए कहाँ से मकड़ी जो जाला बनाती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो मकड़ी होती है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ये एरेक्निड्स के मेंबर्स हैं और इनको हम अगर एक चीज़ और देखेंगे, ये बुकलंग्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मकड़ी का जो जाला बना होता है ना, ये बना किसका होता है, मकड़ी का जो स्पाइनरेट होता है। अगर हम बात करते हैं, ये सवाल तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मकड़ी का जाला बना किसका होता है, भाई ग्वानिन का बना होता है। आपको ये भी बताना था, आपको बता दें ग्वानिन का बना होता है, मकड़ी का जाला किसका बना होता है, ग्वानिन। और जो ग्वानिन होती है इसको एक्सक्रीट कहाँ से करते हैं, मकड़ी का जाला वाटर नॉट सॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मकड़ी का जाला एंटीरियर टू द एनस यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जहाँ से ये सिक्रीट होता है, एंटीरियर टू द एनस। हाँ, अरेकिनिड्स मेंबर से ए, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द ए, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ग्वानिन। बहुत अच्छा, वेल डन कोमल, कुमकुम, सुषमा, निकिता, रुचि, तुलिका कुमारी, वाह वाह क्या बात है। चलो भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगर जिया मिश्रा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर स्क्रीन, 40 नंबर सवाल, और आप फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। घोंगा किस परजीवी वर्ग में एक निश्चित रूप से मध्यवर्ती मेजबान है। सबसे पहले आपको पता है कि स्नेल एक इंटरमीडिएट होस्ट है, किस में, तो मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटीस में भी दिया गया है आपको, देखो ये मोनोजेनिया है, सिस्टोडा है, डाइजेनिया है या नीमेटोडा है। देखिए अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ पैरासाइट क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। स्नेल एक मध्यवर्ती होस्ट है किसका, बताइए। एक्सक्रीटरी मटेरियल ग्वानिन, हाँ जी। चलो जल्दी से बताओ, 40 का सी, 40 का बी, कोमल बी बता रही है, कुछ लोग सी बता रहे हैं, निमेटोडा, सिस्टोडा, अंतरिक्ष। चलो बताओ, विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, दीजिए उत्तर। घोंगा किस परजीवी वर्ग के निश्चित रूप से मध्यवर्ती मेजबान है, वो मोनोजेनिया है, सिस्टोडा है, डाइजेनिया है, निमेटोडा है। स्नेल इज द डाइजेनेटिक होस्ट ऑफ विच पैरासाइट। बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक इसका जवाब दे पाया है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि फटाफट इसका राइट आंसर करिए। चलो सिस्टोडा, तुलिका, निमेटोडा, मेंबर ऑफ सिस्टोडा इज करेक्ट आंसर। देखो भाई जितने सिस्टोडा वाले हैं ना, सबसे पहले तो मैं इनको गलत कर दूं, ये लो। अब बताओ सिस्टोडा वालों को सबसे पहले तो मैंने काट दिया, आप बताओ कौन सा करोगे। सिस्टोडा वाले उछल रहे होंगे, कूद रहे होंगे इस समय, सिस्टोडा सिस्टोडा, कितना गलत करते हो, नॉट सिस्टोडा। अब बताओ, स्नेल इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ निमेटोडा। कुछ लोगों ने राइट आंसर दिया था, तुलिका कुमारी ने दिया था, बाकी लोग भी दे रहे हैं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। निमेटोडा बिल्कुल, अमृता, निमेटोडा, कुमकुम, एस्केल मेंथीज, मेंबर ऑफ आपने का इंटरमीडिएट होस्ट। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पॉलीएम्ब्रियोनी शब्द का अर्थ क्या है। देखो हिंदी पहले पढ़ दिया, द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी मींस, 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे फटाफट आंसर करेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज मल्टीप्लाई ए सेक्सुअली
लार्वा स्टेज से रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, लार्वा स्टेज स्टार्ट अपने का प्रोड्यूसिंग एक्स एडल्ट गिव राइज टू मैनी लार्वी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है बताओ मुझे, बहुत सारे एम्ब्रियो होना। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सारे क्या होना, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, या लार्वा स्टेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लार्वा स्टेज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स, एडल्ट गिव राइज टू मैनी लार्वी। एडल्ट बहुत सारे लार्वा देता है, बहुत सारे बच्चे हों, पॉली एम्ब्रियोनी बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ जी डी, चलो बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आपने कहा एडल्ट गिव राइज टू मैनी लार्वी, पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब है बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, बहुत सारे लार्वा होंगे, देन डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 42 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच करता है। टीनिया ट्रीमेटोडा का मेंबर है क्या, ये इसका क्लास का है, इकाइनोकोकस टर्वेलेरिया है, या सिस्टोसोमा ट्रीमेटोडा है, प्लिनेरिया सिस्टोडा का मेंबर है, बताइए। सही सुमेलित करना, मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए हर मेंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन आरएल कोटपाल से अच्छा कोई नहीं लिखा है, सभी फाइला का क्लासिफिकेशन आरएल कोटपाल से अच्छा कोई नहीं लिखा है। तो बहुत कम लोग हैं जो आरएल कोटपाल का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, वैसे मैंने एप्लीकेशन पर पूरा डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है, जितने बच्चों ने पढ़ा होगा। तो आप लोग इसका बताओ, टीनिया का मेंबर कौन, टीनिया किसका मेंबर है, तो जितने भी मित्र जितने भी साथी हैं फटाफट मुझे बताएंगे। चलो विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। देखो टीनिया मेंबर किसका है और इकाइनोकोकस मेंबर किसका है, ट्रीमेटोडा ट्रिविलेरिया, ट्रीमेटोडा सिस्टोडा। अगर हम बात करते हैं टीनिया की और अगर बात करते हैं इकाइनोकोकस की और बात करते हैं सिस्टोसोमा की और बात करते हैं प्लेनेरिया की, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टीनिया और उसके साथ साथ इकाइनोकोकस कौन कौन से, टीनिया और इकाइनोकोकस, इधर से बताता हूँ, टीनिया और इकाइनोकोकस ये मेंबर किसके हैं, ये मेंबर सिस्टोडा के हैं। टीनिया और इकाइनोकोकस ये दोनों के दोनों मेंबर किसके हैं, सिस्टोडा। ये किसके मेंबर है, सिस्टोडा के। सिस्टोसोमा ट्रीमेटोडा का मेंबर है, हाँ जी बिल्कुल सही है, सिस्टोसोमा ट्रीमेटोडा का मेंबर है। तो प्लेनेरिया किसका मेंबर है, प्लेनेरिया टर्विलेरिया का मेंबर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही आंसर क्या होगा, सी सिस्टोसोमा, बताओ प्लेनेरिया टर्विलेरिया। हाँ बहुत अच्छा कोमल, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सिस्टोसोमा ट्रीमेटोडा, सिस्टोसोमा ट्रीमेटोडा आप सभी लोगों का राइट जवाब है। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 90% लोगों का सही जवाब था, इस सवाल का 90% जवाब सही था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बेहतरीन सवाल, इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, स्पंजोसील इज लाइंड बाई क्वाइनोसाइट सेल्स। क्वाइनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं फ्लैजेलेटेड होती हैं, कॉलर सेल्स होती हैं, कीप कोशिकाएं होती हैं। आपको पता है कि स्पंज में तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसमें एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम और साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो क्वाइनोसाइट्स ओनली फाउंड इन, क्वाइनोसाइट केवल और केवल पाई जाती है किस टाइप के कैनाल सिस्टम में, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, रेगन टाइप। रेगन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, लार्वा स्टेज में पाया जाता है, किसमें, लार्वा स्टेज। तो ये तो हटाई दो, इसमें क्वाइनोसाइट्स नहीं होती। एस्कॉन साइकॉन ल्यूकॉन तीन आपके ऑप्शन है, बताइए। क्वाइनोसाइट्स लाइंड बाई द स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी में जो कॉलर सेल्स फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं वो क्वाइनोसाइट्स। ये कैसी सेल्स होती हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स। इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, फ्लैजेलेटेड सेल्स कौन सी कैविटी में पाई जाती हैं। विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, बताइए फटाफट, जितने भी मित्र जितने भी साथी होंगे। देखो सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है, सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन एस्कॉन टाइप, और एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम में ही जो सिंपल एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पर एक लार्ज पोर होता है, सभी को पता है एक लार्ज पोर होता है ऑस्कुलम, और इसमें छोटे छोटे माइनेट बहुत सारे पोर होते हैं, उस माइनेट पोर को ऑस्टिया कहते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होती है, फ्लैजेलेटेड क्वाइनोसाइट सेल्स
पाए जाते हैं इस पर, तो एस्कॉन टाइप में पाए जाते हैं केवल एस्कॉन। साइकॉन टाइप में, ल्यूकॉन टाइप में स्पंजोसील्स कैनाल किस में पाई जाती है? रेडियल कैनाल में। इसमें किस में पाई जाती है? रेडियल कैनाल में, नॉट स्पंजोसील, है ना, रेडियल कैनाल में पाई जाती है। और इसका राइट आंसर नहीं होगा, केवल होगा ए। तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया था 43 नंबर क्वेश्चन का? 44 नंबर सवाल तो बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम स्पंजोसील लाइन बाई कॉनोसाइट्स। बहुत अच्छा निकिता, कुमकुम, सुधा, तोलिका, मैथ्स बायोलॉजी, साधना, एस के मैथ्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, बेहतरीन। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फ्लेम सेल्स आर, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी होती हैं, सेंसरी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। बताओ समराज अभी बता रहे थे, फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं ये भी बताना है, किस में पाई जाती हैं? फाउंड इन, ये भी बताना है, अदर नेम भी बताना है, है ना, अदर नेम भी बताना है, इन्हें क्या कहते हो फ्लेम सेल्स को, और किस में पाई जाती हैं बताओ भाई। ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज, बहुत अच्छा, एक्सक्रीटरी सेल्स ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज, बेहतरीन। एच एल बी, एक्सक्रीटरी, रुचि, कोमल, बहुत अच्छा। आपने कहा एक्सक्रीटरी सेल्स होती है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स है, किस में पाई जाती है? प्लेटी हेलमेंथीज के मेंबर्स में पाए जाते हैं, चपटे कृमि में पाए जाते हैं, इन्हें अलग नाम क्या देते हैं बताओ? सोलेनोसाइट, सुषमा किरण, बहुत अच्छा, बेहतरीन। आपने कहा इनका अदर नेम क्या है? हाँ, लीवर फ्लूक में पाई जाती है, ठीक है, अदर नेम के क्या बताएंगे? सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स इज द राइट आंसर। चलो भाई, एक्सक्रीटरी सेल से इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत इजी था क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है इसलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ट्राइलोबाइट लायर, ट्राइलोबाइट लैरिन इज फाउंड इन, वो पेरिपेटस में पाई जाती है, लिमुलस में पाई जाती है, फैसोला में, एस्केरिस में, बताइए कौन से एनिमल में ट्राइलोबाइट लैरिन पाई जाती है? पेरिपेटस में, लिमुलस में, फैसियोला में, एस्केरिस में। ट्राइलोबाइट लैरिन इज फाउंड इन, इन विच? सोलेनोसाइट्स, बहुत अच्छा। वंदना दीक्षित, पूजा सिंह, सुषमा, सुरभि, बहुत सारे लोगों के तो नाम ही नहीं ले पाता हूँ, ठीक है, बेहतरीन। लिमुलस, लिमुलस इज द मेंबर ऑफ, लिमुलस किसका मेंबर है? फाइला का नाम बताओ, लिमुलस का मुझे फाइला बताना है आप लोगों को, फाइलम बताओ आप लोगों को। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन, ये भी सवाल बहुत अच्छा है और 2021 के पेपर में पूछा गया था, 2021 यूपी टीजीटी पीजीटी, है ना, यूपी टीजीटी और पीजीटी में बहुत बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन से और इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है नीमेटोडा में, सिस्टोडा में, ट्रीमेटोडा में, टर्विल एरिया में, आर्थ्रोपोडा, बहुत अच्छा, आर्थ्रोपोडा, वेल डन, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द आर्थ्रोपोडा। चलो भाई बताओ जल्दी से फटाफट, विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन, किस में नहीं पाई जाती? सिस्टोडा के मेंबर्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। सिस्टोडा ये इंडो पैरासाइट है और ये ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल से या जो भी इस पोस्ट पर होता है उसके एलिमेंट्री कैनाल से क्या करता है, ये बेसिकली फूड को एब्जर्व करता है, तो इसमें कोई भी डाइजेस्टिव कैनाल की या एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता नहीं है, मेंबर ऑफ सिस्टोडा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सवाल पूछा भी गया। फैसियोला का मेरासीडियम के एक्टोडर्म में शामिल है, बताइए द एक्टोडर्म ऑफ मेरासीडियम ऑफ फैसियोला कंसिस्ट कितनी प्लेट? 15 प्लेट, 21 प्लेट, 17 प्लेट, 14 प्लेट्स। मेरासीडियम लार्वा ऑफ फैसियोला हेपियाटिका, इसमें
एक्टोडर्म लेयर में कितने प्लेट्स होते हैं? 15, 21, 17, 14, हाउ मैनी प्लेट्स आर प्रेजेंट इन, बताइए कितने प्रेजेंट होती हैं प्लेट्स। साइकॉन टाइप रिक क्या बड़ा लेट आई हो। चलो अनुराधा, अनुराधा हाँ अनुराधा भी सो हो रही हो, क्या हो गया अनुराधा? बी, चलो बी फॉर कितना? 21 प्लेट्स, बेहतरीन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 48 ऑन योर स्क्रीन। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ ट्रांसवर्स, डायग्राम है ही कहाँ, सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल। द बॉडी कैन नॉट बी द बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, डायग्राम है क्या, कहीं डायग्राम है क्या? है ये नहीं, डायग्राम तो दिया नहीं गया, तो फिर सवाल कैसे करोगे? नीचे दिया गया चित्र एक जानवर के शरीर के अनुप्रस्थ भाग को दर्शाता है, शरीर निम्नलिखित में से। अब डायग्राम तो खा गए हमारे टाइपिस्ट भैया, है ना? टाइपिस्ट अगर डायग्राम को कुछ नहीं तो उसी को क्रॉप करके अगर छाप दिए होते तो बच्चे कर पाते इस सवाल को, तो डायग्राम इसमें है ही नहीं। चलो अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन, 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वाहक कौन है, वाहन कौन सा है? हाँ कुमकुम, वो समझ में नहीं आएगा एक्चुअल, वो सवाल इनकम्प्लीट था, इसलिए वो सवाल कैसा था, इनकम्प्लीट था, ये वाला समझो। ट्रिपैनोसोमा में क्या होगा? क्यूलेक्स होगा, ग्लॉसिनिया पैलपैलिस होगा, एनोफ्लीस होगा, मस्का डोमेस्टिका होगा, इसका होगा सीसी फ्लाई। कौन सा भाई? सीसी फ्लाई, जिसको आप लोग कहते हो सीसी मक्खी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से क्या होता है, सीसी फ्लाई को कहते हैं मक्खी, सीसी मक्खी। और सीसी मक्खी ग्लॉसिनिया पैलपैलिस है, सीसी मक्खी ग्लॉसिनिया पैलपैलिस, और इसकी इन्फेक्शन से कौन सी डिजीज होती है? स्लीपिंग सिकनेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या आप लोग पढ़ पाएंगे? पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया आपने का, चीटॉन बिलोंग टू द पैकोजोआ, चेटन हैज 8 सिली प्लेट्स, नाउ सेलेक्ट द योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड्स गिवन बिलो। दोनों में से कौन सा सही है? क्या चीटन बिलोंग टू द पैकोजोआ, ये पैकोजोआ में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो चीटन हैज 8 सील्ड प्लेट्स, हाँ इसमें सील प्लेट्स पाई जाती। तो अच्छा फिर चीटोन अगर पूछा जाता है कि किस का मेंबर है, ये पाया कहाँ पर जाता है, तो मुझे फिर ये भी बता दो, तो आप बता देंगे ये क्लास किसका है, फाउंड इन क्लास, इसका क्लास फिर है कौन, ध्यान रखिएगा क्लास एम्फी न्यूरा, कौन सा है? एम्फीन्यूरा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बोथ आर ट्रू, नहीं बोथ आर ट्रू, नहीं ए इज ट्रू, नहीं ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, हाँ डी ए प्लेकोफोरा का मेंबर है, ए प्लेकोफोरा मेंबर ऑफ मोलस्का, चलो मोलस्कंस का ए प्लेकोफोरा, चलिए बहुत अच्छा, डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, ए प्लेकोफोरा एम्फीन्यूरा। एफायरा लार्वा किसके जीवन में आता है बताओ फटाफट, एफायरा लार्वा ये तो बताइए दोगे, ये तो बहुत सवाल इजी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई एफायरा लार्वा, अरेलिया, ओबेलिया, फाइसेरिया, एडमेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इजी सवाल है, फटाफट उड़ा दो इस सवाल को। एम्फीन्यूरा में पाया जाता है,
हाँ बिल्कुल, क्या नाम था आपका? निकिता बेटा। ये प्लेकोफोरा में नहीं पाया जाता, एम्फीन्यूरा में ही पाया जाता है ये, एम्फीन्यूरा कुमकुम। बेहतरीन। अरेलिया एफायरा लार्वा। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, और सभी लोगों ने सही जवाब दिया, अरेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, 52 सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, बाइवैक्स से, फैल्सीपेरम से, या मलेरिया से, या ओबल से? सबसे ज़्यादा घातक मलेरिया कौन सी है, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कह देते हैं? कौन सी भाई? सेरिब्रल मलेरिया भी कह देते हैं, सेरिब्रल मलेरिया। इसको हम सबसे अधिक, या माइल्ड टर्सियन हो गया, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, माइल्ड टर्सियन मलेरिया, ये किससे होता है? फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज होता है। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा घातक होता है फैल्सीपेरम, ब्रेन में प्रभावित होता है। ऑटमनल मलेरिया भी होता है इसे। कौन सा? ऑटमनल मलेरिया। सारे स्पीसीज याद रखना, बाइवैक्स से कौन सा होता है, मलेरिया से कौन सा होता है, मलेरिया से मलेरिया होता है। फैल्सीपेरम। मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक, मतलब 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, 100% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 53 ऑन योर स्क्रीन। अच्छा सवाल है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीम ग्रुप आर आयरन मिसिंग, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें हीम ग्रुप या आयरन नहीं पाया जाता है, मिसिंग है। मिसिंग का मतलब नहीं पाया जाता है। बताइए, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर, और कॉपर कंटेनिंग ब्लड के कारण ये ब्लूइश होता है ना? कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर का ब्लड किस में पाया जाता है? अगर हम बात करते हैं ब्लू कलर का किस में पाया जाता है, बताइए, मोलस्कंस। अगर बात करते हैं किस में पाया जाता है, मोलस्कंस ऑन आर्थ्रोपोडन्स में, यानी मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में, इनमें पाया जाता है कॉपर कंटेनिंग ब्लड। हीमो एरिथ्रिन, हीमो कोरोरिंस, हीमोग्लोबिन्स, इन सभी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, बट किस में अब्सेंट होता है? तो हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का पाया जाता है, ब्लूइश कलर का होता है। हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ। सर मैं बार बार पीछे हो जा रही हूँ, नेट नहीं सही चल रहा है। रुचि, अच्छा ऐसा क्या हो रहा है? बस थोड़े से बेटा सवाल और करने हैं, 60 तक चलना है ना? 60 सवाल तक करना है, 60 सवाल। सभी लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ जाया करो, और सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर लिया करो, सभी लोग जुड़ जाए जैसे, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लिया करो। शाम 7 बजे हम धुआंधार प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहे हैं। ई एम आर एस को लेकर भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराएंगे। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड्स द होम्योथर्मस ओनली, होम्योथर्मस ओनली, थोड़ा सा गलत लिख दिया, होम्योथर्मस ओनली, केवल होम्योथर्मस है, मतलब गर्म खून वाले, अब हम कह दें वार्म ब्लडेड एनिमल, है ना? वार्म ब्लडेड एनिमल। आपको पता है एक होता है पोइक्लोथर्मस और एक होता है होम्योथर्मस। जो ठंडे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं पोइक्लोथर्मस, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स, अगर ऐसे बात करें फिश और एम्फीवियंस, एम्फीवियंस और इसके साथ हम बात करते हैं रेप्टाइल्स, यानी रेप्टिलियंस, रेप्टिलियंस, ये सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। ये सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हो बताइए भाई? पॉइक्लोथर्मस। इन्हें क्या कहते हैं? पॉइक्लो थर्मस कहते हैं, पॉइक्लो थर्मस कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, जो पक्षी हैं, और मैमल्स की, बर्ड्स और मैमल्स ये कैसे हैं? तो होम्योथर्मस हैं ये, ध्यान रखना, होम्यो थर्मस। होम्यो थर्मस का मतलब है वार्म ब्लडेड। तो अब देख लो इसमें आंसर में कौन सा होगा। क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल है, होगा ही नहीं। वेल है, पीकॉक है, वैट है, वेल स्तनधारी है, पीकॉक पक्षी है, वैट चमगादड़ है,
बिल्कुल होगा, सलेमेंडर नहीं होगा, सी हॉर्स, डॉग फिश, रेबिट, क्या ये बताओ होंगे आपने का, ये सब नहीं होंगे, तो आंसर क्या जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मस, रुचि बहुत अच्छा, वेल डन। चलो भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आऊं, तो एक बार सभी लोग फटाफट सवाल को पढ़ेंगे। वार्म वेलेडेड अंकिता, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55। पिजन को तो मैंने इतना पढ़ाया एकदम से बढ़िया से, कार्डेटा में तो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। विंग्स ऑफ पिजन इज कॉल्ड कौन से, काउंटर फीडर इन द विंग्स ऑफ पिजन इज कॉल्ड, इनको हम रेड ट्रीज कहते हैं, रेमीज कहते हैं, डाउन फीडर कहते हैं, या फिल्लो प्लूम्स कहते हैं, बताओ विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। सांप और मेढक और सभी जमीन के नीचे ठंडी में, अरे वो हाइवर कंडीशन होती है, नहीं नहीं सम्राज, देखो ऐसे जीवधारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण अपने ब्लड का अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, जैसे मछली हुआ, मेढक हुआ, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इन पर इनके बॉडी टेम्परेचर पर क्लाइमेटिक टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वो सब पॉइक्लोथर्मस होते हैं। जैसे मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर चाहे बाहर जितना भी ठंडी हो जाए, चाहे जितना भी गर्मी हो जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री 70 डिग्री रहता है, ऐसे पक्षियों का रहता है। तो ये होम्योथर्मस का मतलब जिनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, नियत हो, जिनका टेम्परेचर क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो वो पॉइक्लोथर्मस है, और जिनका डिपेंड नहीं करता वो होम्योथर्मस है। बताइए आपने का काउंटर फीडर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स बोले तो पक्षी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी पक्षी में भी कबूतर जो है, इसका काउंटर फीडर हम किसे कहते हैं, विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा था, काउंटर फीडर ऑफ रैबिट इज बिंग पिजन इज कॉल्ड, इसको हम किसे कहते हैं, रेमेंसीज कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिजन में एक सवाल और पूछता है, पिजन में जो मिल्क प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल दोनों, किस ऑर्गन से करते हैं, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ओनली लिजार्ड दैट आर पॉइजनस, एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है, बताओ ड्रेको, ये तो क्या करती है, फ्लाइंग लिजार्ड है, कैसी लिजार्ड है, फ्लाइंग हेमी डेक्टाइलस, ये आपने का हाउस लिजार्ड है, हाउस लिजार्ड है, हेलोडर्मा की अगर बात करते हैं तो हेलोडर्मा ये पॉइजनस है, बिल्कुल हाँ हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ अगर हम कैलोटिस की बात करते हैं तो ये भाई गिरगिट है, गिरगिट आप लोगों ने देखा होगा जो रंग बदलता रहता है, भाई गिरगिट है, और इसको फॉरेस्ट लिजार्ड भी कहते हैं गिरगिट। हेलोडर्मा, हेलोडर्मा इज द राइट आंसर। चलो जानकारी शेयर करी, बहुत अच्छी करी, गिला मॉन्स्टर भी कहते हैं, बिल्कुल हेलोडर्मा को क्या कहते हैं, इसको गिला मॉन्स्टर भी कहते हैं, गिला मॉन्स्टर बिल्कुल, हेलोडर्मा इज आल्सो नोन एज गिला मॉन्स्टर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग लेइंग मैमल, इनमें से कौन सा एक ऐसा मैमल है जो अंडे देने वाला है, वो मंगू है, प्लेटिपस है, वेल है, मोल है, बताइए, मोल ये तिल वाला नहीं है, मोल बराबर मोल, उसमें लिख दिया तिल, बताओ दो ही मैमल हैं जो अंडे देते हैं, डकबिल प्लेटिपस और एक्डिना, है ना, प्रोटोथीरियंस की अगर बात करते हैं दो ही मैमल हैं जो अंडे देते हैं, हाँ क्लोइटिस को हम क्या कहते हैं, गिरगिट, डकबिल प्लेटिपस एक्लेइंग मैमल्स, और कौन सा है, प्लेटिपस के अलावा बताओ ना, डकबिल प्लेटिपस के अलावा एक्डिना है ना, हाँ ये दोनों कैसे हैं, एक्लेइंग मैमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये सवाल जरा बताओ कितने लोग बता पा रहे हैं, हिस्ट्री बिलोंग टू द ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं
तो किस ऑर्डर का मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरा, कार्निवोरा, रोडेंसिया या चिरोप्टेरा? चिरोप्टेरा में तो कौन आएगा, मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल से, क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, ध्यान रखना। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, मैमेलिया की बात करते हैं, कॉर्डेट्स में बहुत डिटेल से मैंने इसका क्लासिफिकेशन कराया है मैमेलिया का। बताओ चिरोप्टेरा में क्या आता है, इसमें भाई बैट आता है, चमगादड़। रोडेंसिया में कौन आता है, रैट आता है, चूहा है ना। कार्निवोरा जैसे लायन है, टाइगर है ना, ये सब आ जाएंगे, लायन है, टाइगर है, ये सभी आ जाते हैं। इंसेक्टिवोरा के अंतर्गत आपने का एंटीटर आता है, चीटीखोर, एंट ईटर आता है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं रोडेंसिया, तो ये हिस्ट्री क्या है, ये नेवला है, नेवला भी किस में आएगा, ये भी रोडेंसिया के मेंबर है। अगर हम नेवला की बात करते हैं, नेवला तो किस में आता है, रोडेंसिया में, नेवला की तरह होता है। प्रोकोपाइस, बफरिंग हो रही है, अच्छा हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू हो, रोडेंसिया, रेट, बैट, हाँ ये रोडेंसिया का मेंबर है, ध्यान रखना। नेवला की तरह होता है, नेवला को तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नेवला की तरह होता है। चलो बस दो सवाल और बचे हुए, बफरिंग हो रहा होगा, ये नेटवर्क है ना, 9 बजे के टाइम पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ हमेशा करता है कुछ इस प्रकार से। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिस? आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। आर्कियोप्टेरिस जुरेसिक पीरियड में था, इसका अगर पूछा जाता कि कब डेवलप हुआ था, तो जुरेसिक पीरियड में ये पाया गया था। भाई बताओ कौन से पीरियड में, जुरेसिक, जब डायनासोर थे। ट्रू बींग्स प्रेजेंट, इसमें ट्रू बींग्स प्रेजेंट नॉट ट्रू, कौन सा नहीं है, ट्रू बींग्स प्रेजेंट, हाँ जी थे आपने कहा, ये रिजिबिलेंस टू डायनासोर, डायनासोर के वक्त पे था, हाँ उसी के समय था। बॉडी साइज इक्वल टू द ऑस्ट्रिच, क्या शुतुरमुर्ग की तरह इसकी बड़ी सी बॉडी थी, नहीं ये गलत है। बॉडी साइज इक्वल टू किसकी, कौवा, क्रो, कौवा की जैसी बॉडी थी, ध्यान रखना इसका बॉडी साइज कौवा की तरह थी। प्रेजेंट इन जुरेसिक, हाँ जी जुरेसिक में था, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये नहीं सही है, ऑस्ट्रिच की तरह बॉडी नहीं, बॉडी इसकी छोटी सी थी इसलिए। हाँ रुचि नजरबट्टू लेकर आ गई है, सरकारी ऑप्शन, नहीं, सरकारी तो नहीं करोगे, सी करेंगे, नॉट फाउंड, तुलिका सरकारी ऑप्शन कर दे रहे हो, चलिए। चलो भाई, रजिया मैंगो एंगो लेकर घूम रही है। अगला सवाल और लास्ट सवाल ऑफ द सेशन, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है, बताइए विच टाइप ऑफ जा सस्पेंशन इज फाउंड इन मैमल्स? कहा गया कि निम्नलिखित में से किस मैमल्स में कौन से टाइप का जा सस्पेंशन पाया जाता है, आर्टोस्टाइलिक, कार्नियोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक या हाइलोस्टाइलिक? जो हम लोगों के जा होते हैं ना, जा, जबड़ा, ये मैमल्स में किस टाइप के सस्पेंशन इसका पाया जाता है, बताओ। आर्टोस्टाइलिक किस में पाया जाता है, तो आर्टोस्टाइलिक इज फाउंड इन फ्रॉग, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में पाया जाता है, और क्रैनीस्टाइलिक किस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, ध्यान रखना मैमल्स में। और होलो या हाइलोस्टाइलिक की अगर बात करेंगे, होलो या हाइलो स्टाइलिक इज फाउंड इन, ये भाई बेसिकली इलास्मोब्रैंकिया या लंग्स फिश में पाया जाता है, बेसिकली मछलियों में पाया जाता है होलो या हाइलो स्टाइलिक फिश। तो राइट आंसर क्या करेंगे, सी, क्या आप लोग ने कर पाया, ऑटोस्टाइलिक क्वाड्रेट अब्सेंट इन मैमल। ऑटो फ्रॉग, हाँ जी कैर्नियो मैमल, बहुत अच्छा, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, और सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। तो बताइए दोस्तों कैसा था आज का सेशन,
और कैसे थे आज के प्रश्न, क्या आप लोगों को मजा आया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पश्चात। और जितने भी मित्र जितने भी साथी सेशन से जुड़े, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलिए। और जब आप लाइव सेशन से शाम 7 बजे जुड़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हम लेकर आते हैं। और जैसे आप लोग आइए और आपका सेशन में स्वागत है, और आप लोग धुआंधार तरीके से अपना करिए इवैल्यूएशन। जब अपना स्व मूल्यांकन करेंगे तो क्वेश्चंस को तोड़ने में क्वेश्चंस को फोड़ने में आप लोगों को आएगा मज़ा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिविंग कॉन्टैक्ट नंबर्स पर। उसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई भी कोर्स लेना है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9795879197, इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द राजीव अकेडमी चैनल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर बेल जरूर बजा लीजिएगा। जितने मित्र जितने भी साथी सेशन से जुड़े, सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, बहुत सारे मित्र बहुत सारे साथी सेशन से जुड़े, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग, ऑल क्वेश्चंस कलेक्शन आर वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, थैंक यू सो मच कुमकुम, थैंक यू सो मच। और सभी मित्र सभी साथी जो सेशन से जुड़े, आप सभी लोगों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। दशरथ प्रसाद सिंह सर, एक बार हमारा गिफ्ट यूज़ करो। राजपाल यार, आपका गिफ्ट मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा? सुहीपाल, आपका जो शर्ट आप भेजे हो ना, वो बेटा बहुत छोटा है, और मैं वैसे भी हेल्दी हो गया हूँ पहले से खा खा के, है ना। अब आपने भाई, मैंने बताया था राजपाल ने मुझे एक बहुत बेहतरीन एक शर्ट भेजा था, वो शर्ट हमारे हाथ की बाजू में भी नहीं हो पा रहा, चेस्ट में भी नहीं हो पा रहा, और मैं हेल्दी भी हो गया हूँ पहले से, तो थोड़ा सा नहीं आ पा रहा, उसका फिटिंग नहीं आ रहा बिल्कुल, तो कैसे करूँ। चलो भाई, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सेइंग। और चैनल से सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।